शनिवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार लैब टेक्नीशियन वरुण कुमार, महमूद आलम तथा एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास द्वारा कुल 209 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जाँच हेतु सैंपल संग्रह ग्राम फुलची, कारूडी तथा बागमारा में किया गया। 209 में से 52 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम निगेटिव प्राप्त हुआ, जबकि 157 व्यक्तियों का आरटीपीसीआर सैंपल संग्रह किया गया। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि संभवतः आरटीपीसीआर सैंपल का परिणाम एक सप्ताह में आ सकती है, तब तक के लिए सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। संग्रह स्थल पर ग्रामीणों की टीम के सदस्यों द्वारा कोविड-19 संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान किया जा रहा था। इस क्रम में ग्रामीणों को अकारण भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं जाने की सलाह दी गई। अभी घर से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क का उपयोग करें, आधे आधे घंटे पर हैंड वॉश या साबुन से हाथ साफ करते रहें, जहां पानी की उपलब्धता ना हो सैनिटाइजर का उपयोग करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, परिवार, समाज एवं देश को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में मोहम्मद शोहेब आलम, श्याम हाजदा, नित्यानंद मेहरा, बेलू यादव, आफ्ताब अंसारी, सुशील टुड्डू आदि ने कार्य किए, जबकि ऑनलाइन संबंधित कार्य दिव्यांशु कुमार, दामोदर वर्मा, शिवानंद झा, हसमत उल्ला खान व गौतम कुमार ने किया।